अपने चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे साखी मृग की। एक समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक गांव में गए। गांव के बाहर एक मृग देखा जो खेती की ओर भूखी दृष्टि से देख रहा था। खेती के स्वामी ने उस खेती में एक फाही लगा रखी थी जिसको हिरण बिल्कुल नहीं जानता था। अब वह हिरण उसी खेती में चला गया तथा खेती को अभी चरने ही लगा था कि उसी समय उस फाही में उसकी चारों टांगे फंस गई। उस समय श्री गुरुजी महाराज कुछ अजीब सी अवस्था में हो गए। मन में विचार कर कहने लगे हैं, यदि तू इस बेगाने खेत में भूख मिटाने न जाता तो तू कभी बंधन में न आता। इस फंसे हुए मृग को देखकर कहा, हे मन, तुझे कुछ ज्ञान होना चाहिए। तुमको भी यमदूतों ने इसी प्रकार अपने काबू करना है जिस प्रकार इस मृग को खेती के स्वामी ने पकड़ा है। अपने इन उत्तम विवारों में श्री गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, मृग आसा महिला एक छंद घर तीन, तू सुनी हरना कालिया की बाड़ी ए राताराम। बिकु फल मीठा चारी दिन फिरी होवे ताताराम, फिरी होई ताता खरा माता नाम बिनु परतापे। ओहु जेत साइर देई लहर बिजुल जिवे चमके, हरी बाजू राखा कोई नाही सोई तुझी बिसारिया। सचु कहे नानकु चेतरे मन मर हरना कालिया। एक परमार्थ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे मन, जो काला हरण है सो तू है। मैं तुझको शिक्षा देता हूँ कि जो वस्तु त्याज्य है उसे न कर। यदि तू उसकी दी वस्तु को पाएगा तो वह अमृत है, और यदि तू त्याज्य वस्तु को अंगीकार करेगा तो तू फाही में फंसेगा। जिस प्रकार यह हरण काबू आ गया है उसी प्रकार तू भी दुखी होगा तथा तू परमेश्वर के हुक्म की अवहेलना करेगा, तब तेरा इसी हरण के समान बुरा हाल होगा। उस भगवान के सिवा तेरा कोई रक्षक नहीं है, सो तू परमेश्वर का स्मरण कर, तब तू यम धाम के दंड से बचेगा। साखी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम कल एक नई साखी के साथ वापस आएंगे। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।